This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new poem, My Mother, written by APJ Abdul Kalam. This is a very wonderful poem, and so before reading this poem, we just pre-read this. This is the pre-reading task. God could not be everywhere, so he made mother. What does this statement mean? Yes, God could not be everywhere. Ki Bhagwan har jagah nahi hote hain, so he made mother. Because who is God? Who is God? God is the power to take care of us. Okay. And God always takes care of us, but he cannot be everywhere for every person. So that's why he made mothers. It means mother is also like a God. And it is, we can say that mother is a Xerox copy of God, we can say that. So, is the comparison between God and mother justified? Yes, true, it is justified. The word mother brings up certain emotions in everyone. Yes, true. Yadi mother nahi hote, to itne sare emotions jo hume apni mother se milte hain, wo hume nahi mil pate. Hum us tarah ke nahi hote jo hum aaj hain. Okay, so think of some words that you would like to associate with the most wonderful creation of God. So this is a task for you. Find some words for your mother. यदि अपनी माँ के लिए अपनी माँ को आपको एक शब्द में ही डिस्क्राइब करना है तो कौन सा शब्द आपके लिए होगा. मुझे पता है कि ओनली अ सिंगल वर्ड कैन नॉट डिफाइन अ मदर. हमारी माँ के अंदर इतना कुछ होता है कि एक सिंगल वर्ड से हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते. बट फिर भी यदि आप अपनी मदर को डिफाइन करना चाहें तो किस वर्ड से अपनी मदर को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, एंड इन योर बुक ऑल्सो देर इज़ अ प्री रीडिंग टास्क एंड यू हैव टू राइट 8 वर्ड्स फॉर द मदर. सो डू इट इन योर नोटबुक. ओके, देन यस, हियर द पॉइंट स्टार्ट्स. सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one. My mother, you come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenging toil. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. Again miles to the Arab teaching school, climb sandy hills to station, railway station road. So this is like this, this poem starts. So poem starts with some words. Which type of words? Like sea waves, golden sand, pilgrim's faith. Kya hai? Kya, what does these words tell us? Okay. Kya, actually, APJ Abdul Kalam, he was from the South region, okay, and he lived in Rameshwaram Mosque Street, and Rameshwaram was in South and near the sea. So sea waves, अब जब भी वो अपनी मदर को याद करते हैं, whenever he memorize his mother, so वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ जो याद आता है सब मर्ज हो जाता है, केवल एक में ही वो है मेरी माँ. और क्या क्या चीज़ें उसने कही हैं, लाइक सी वेव्स, समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड, यस, बीचेस पर जो सैंड होता है, मिट्टी जो होती है वो सैंड होती है, और जब उसके ऊपर सन लाइट फॉल करती है देन इट लुक्स गोल्ड. ओके, गोल्डन.
सो एंड पिलग्रिम्स फेथ, पिलग्रिम्स होता है जो सेंट्स होते हैं, साधु जो होते हैं उनको पिलग्रिम्स कहते हैं. एंड दीज पिलग्रिम्स, दीज सेंट्स, दे डिवोट देयर लाइफ फॉर गॉड, भगवान के लिए वो अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देते हैं. ओके अपनी मीन्स अपने जस्ट लाइवलीहुड या मैरिज या अपनी पर्सनल लाइफ इन सब कुछ नहीं रखते, जस्ट ही डिवोटेड हर सॉरी दे डिवोट देयर लाइफ फॉर गॉड. ओके सो क्योंकि रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टेम्पल्स. ओके टेम्पल्स के लिए भी बहुत फेमस है और वहाँ पर पिलग्रिम्स हमेशा आते जाते रहते हैं. सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर ये चारों बातें बोलते हैं कि सी वेज, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ और रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ये उनका एड्रेस है, यहाँ पर वो रहते थे इस रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट में. मॉस्क होता है मस्जिद, यहाँ पर मुस्लिम्स यू कैन से अ टेम्पल फॉर मुस्लिम. ओके एंड ऑल मर्ज इन टू वन, और ये सब एक में ही मर्ज हो जाता है. एंड हु इज़ दैट, दैट इज़ माई मदर. ओके देन आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड इट. यस यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स. अब उन्हों अपनी माँ को जब याद करते हैं तो वो कहते हैं कि जब भी तुम, यू कम टू मी, कि तुम मेरे पास हो, लाइक किस तरह से, हेवन्स केयरिंग आर्म्स. हेवन्स, हेवन होता है स्वर्ग, और एंड स्वर्ग, हेवन इज़ रिलेटेड विद द गॉड. सो तुम भगवान के द्वारा भेजी हुई एक मीन्स सोल हो, और या हम कहें कि वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भगवान की बाहें हो जो कि मेरा टेक केयर करते हो, मेरी देखरेख करते हो. तो अब इस लाइन में हम देखेंगे लाइक वर्ड इज़ यूज्ड. ओके यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स, लाइक वर्ड इज़ यूज्ड. सो विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर? यस विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर? यस सिमिली. यस आई टोल्ड यू अर्लियर, whenever there is as and like in the line, then simile is used. And simile kya hota hai? When we compare two things, okay? When we compare two things. Aur yahan par direct comparison kiya hua hai, like heaven's caring arms. Aur thoda sa yadi hum upar in words ko dekhen, to yahan par bhi mujhe lagta hai ki He compares his mother with sea waves, golden sand and pilgrim's faith. Yes, it's my view, mere views hain ye. Sea waves, like लहरें जो हैं समुद्र में, लहरें उठती हैं, ups and downs, कभी up होती हैं, down होती हैं, that is the waves, okay? और मदर के अंदर भी जो इमोशंस हैं वो कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, यानी कभी वो बट सब कुछ वो करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन. ओके सो मीन्स कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार करती है. सो दैट इज़ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ मदर. एंड और सेकेंडली जिस तरह से वेव्स समुद्र के सी के अंदर जो भी कचरा है या कोई भी ऐसा मटेरियल है वो समुद्र के अंदर रहने नहीं देती है, वो उसको बाहर निकाल देती है, उसी तरह से मदर भी हमेशा कोशिश करती है कि उसके बच्चों के अंदर हर तरह की बुराई बाहर निकल जाए, ना रहे, और वो एक साफ सुथरे कैरेक्टर का हो. ओके एंड गोल्डन सैंड मींस उन अपने चिल्ड्रन को वो हमेशा ब्यूटिफाई करने की कोशिश करती है. सो इसलिए ये गोल्डन सैंड सिंबल हो सकता है उस चीज़ का. एंड पिलग्रिम्स फेथ की जैसे पिलग्रिम्स का गॉड के अंदर जो फेथ होता है उसी तरह का फेथ माँ का, मदर का अपने बच्चों के अंदर होता है. सो आई थिंक ही रोट दिस वर्ड्स फॉर हर मदर कि सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, इन तीनों के जो जो मैंने करेक्टर्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब
उनसे उन्होंने अपनी मदर को कंपेयर किया. सो वी कैन से दैट मेटाफर इज यूज हेयर. ओके देन यस वी कम टू द फोर्थ लाइन. आई रिमेंबर द वो डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंजिंग टॉयल. टॉयल होता है हार्डवर्क हार्डशिप. और अब वो कहते हैं कि मुझे आई रिमेंबर मुझे वो वॉर डेज याद हैं जब लाइफ हमारे लिए चैलेंजिंग थी. मींस बहुत सारे हार्डशिप्स बहुत सारे हार्डवर्क हमें करने पड़ते थे. एंड वो डेज APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931 में वो बॉर्न हुए थे. एंड सो द रेफरेंस इज टू वर्ल्ड वॉर टू दैट ब्रोक आउट इन 1939. सी ही वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड विच ब्रोक आउट इन 1939. सो इट मीन्स ही वॉज 8 ईयर ओल्ड एट द टाइम. वो वहाँ पर 8 साल के वो बच्चे थे और उन्होंने कितना हार्डशिप किया कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली वो उन्होंने इस पोइम के थ्रू भी हमें बताई है. और सेकेंडली उनकी एक बुक है उसमें भी उनकी बिब्लियो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी उन्होंने वो सारा बताया है. देन तो माइल्स किस तरह की चैलेंज उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए. माइल्स टू वॉक आज बिफोर सनराइज. वो कहते हैं कि मीलों चल के हमें जाना होता था और कब सनराइज़ से घंटों पहले यानी कि सन जब राइज होता है उससे घंटों पहले वो उठकर बहुत लंबा चलकर जाते थे. वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. और कहाँ जाते थे टेम्पल के नियर टेम्पल के पास कुछ सेंट्स थे जो कि उन्हें टीच करते थे तो वहाँ से वो लेसन लेने के लिए जाते थे. और क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो ही वॉज मुस्लिम बट ही हैड द नॉलेज ऑफ ऑल द वेदास एंड पुरानास ऑफ हिंदू कस्टम एंड द मुस्लिम्स होली बुक्स ऑल्सो. ओके सो उन्होंने सब कुछ पढ़ा है. और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे उन्होंने भी सब पढ़ा है. वो उनकी बुक यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया हुआ है कि उनके घर में रामायण का पाठ भी होता था. ओके सो यहाँ पर भी वो सेंटली टीचर से लेसन लेने के लिए जाते थे. अगेन वाइल्स टू गो द अरब टीचिंग स्कूल. अरब टीचिंग स्कूल मीन्स इट वॉज मुस्लिम स्कूल. सो उसके बाद वो मीलों चल कर अरब टीचिंग स्कूल जाते थे. Then climbed sandy hills to railway station road and after that he went to railway station road which was situated at sandy hills jahan par wo climb karke jaate the. Ye these I told you. Yes then kyon jaate the why did he go there to collect distribute newspapers to temple city citizens for hours after sunrise going to school evening business times before study at night all this pain of a young boy my mother you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of the almighty only my mother. Yes, we continue. Yes, why did he go there at the railway station? He go to railway station to collect newspapers and after collecting the newspapers, he went to distribute newspapers in the city. Ke city mein wo newspaper distribute karne ke liye jaate the. Ab aap sochiye 8 ईयर्स का बच्चा इतना हार्डवर्क कर रहा है. यदि आपको कहा जाए कि सनराइज सूरज के मीन्स उससे पहले चलो 4 o'clock की बात कर लेते हैं कि 4 o'clock आपको उठना है और डेली उठकर आपको ये काम करने हैं देन आर यू रेडी टू गो. नो ऑब्वियसली नॉट. यस सो उनकी कंडीशंस इस तरह की थी एंड ही न्यू व्हाट द पॉवर्टी वाज.
और पावर्टी में किस तरह की हार्डशिप्स, किस तरह की मुश्किल्स उन्हें झेलनी पड़ती थी, दैट ही न्यू, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू हेल्प हिज फैमिली बाय अर्निंग सम मनी, यस, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, और डिस्ट्रीब्यूट करके वो कुछ जो भी पैसा कमाते थे अपनी फैमिली की हेल्प करते थे. एंड ही वॉज नॉट ओनली वन, ही हैड many siblings, I think 5 siblings he had, okay. Then 4 hours after sunrise going to school, or sunrise होने के बाद फिर वो school जाते थे, evening business time before study at night, और evening में business time से पहले, means business भी उनका था क्या, ये distribute newspapers, and then study at night, और रात को जो समय मिलता था उसमें वो अपनी स्टडी करते थे, बिकॉज वी एवरीवन नोज दैट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, एंड ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, और जिसका जहाँ पर इंटरेस्ट होता है वो उस काम को करता है चाहे जैसे भी करे, ओके. ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, और इस लाइन से मुझे थोड़ा सा याद आता है कि मेरे जो फादर थे वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स अपनी लाइफ में देखी हैं, और जब वो भी स्टडी करते थे तो उनके पास भी लाइट या ऐसा कुछ नहीं होता था, तो वो भी स्ट्रीट लाइट, एक ही स्ट्रीट लाइट होती थी वहाँ उनकी गली में, वहाँ पर ही उसके नीचे बैठ के वो स्टडी करते थे. एंड आप सोचिए उस टाइम माय फादर हैड डन एमए सोशियोलॉजी, सो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट थिंग, ओके. सो इट मीन्स कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पर हम सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पर भी पूरे दिन हार्डवर्क करने के बाद वो नाइट में स्टडी करते थे. ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, एंड ही वॉज एट द टाइम 8 or 9 ईयर्स ओल्ड, और पेन यहाँ पर दर्द नहीं है, पेन का मतलब यहाँ पर है दैट स्ट्रगल, ये यंग बॉय जो दिन भर स्ट्रगल करता है, His mother knew about that, वो इसके बारे में जानती थी. My mother, you transformed into fire strength. अब उन्होंने कहा कि मैंने जो hardship की उसको मेरी mother ने pious होता है religious, उसको मेरी माँ ने transform किया, change किया pious strength में, यानी उसको एक religious strength बना दिया, उसको एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखा गया, पॉजिटिविटी देकर उसको उनकी स्ट्रेंथ बना दिया गया. दैट्स वाई ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, ओके. और आज तक भी हम उन्हें याद करते हैं, और हम ये लेसन उनके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका लिखा हुआ, उनकी लिखी हुई ये पोइम है. सो यस, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, यस. So with kneeling and bowing 5 times, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, kneeling and bowing का मतलब होता है नमाज पढ़ना, ओके, offer नमाज टू गॉड, भगवान के आगे नमाज पढ़ना, अल्लाह, यस, अल्लाह. सो इन मुस्लिम कस्टम, मुस्लिम्स यूज टू ऑफर नमाज 5 times a day, 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी मदर भी करती थी. एंड फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माय मदर, एंड व्हाई डिड शी डू दैट, शी डिड दिस ओनली फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड, कि भगवान उनके बच्चों को सक्सेस दे और उनको हमेशा अच्छी लाइफ दे, ओके. देन Your strong piety is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. Yes. Ab aage wo kya kehti hain ki your strong piety means piety means his care ki उनकी मदर की जो केयर है, जो उनकी मदर ने अपने बच्चों की या उनकी केयर की, उस वो उनके बच्चों के लिए एक स्ट्रेंथ बन गई, ओके. और उन्होंने कहा कि यू
ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विद हूएवर नीडेड द मोस्ट, और तुमने हमेशा अपना बेस्ट शेयर किया, यानी अपना बेस्ट दिया. किसको दिया? हूएवर नीडेड द मोस्ट, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. और उनकी यदि ऑटोबायोग्राफी यदि हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने लिखा है कि हमारे घर में जब खाना बनता था, तो हमारे घर में खाना केवल हमारी ही फैमिली नहीं खाती थी, बल्कि बहुत सारे और लोग भी जिनके पास खाना नहीं था खाने के लिए, उनको भी मेरी माँ, यानी जो उनसे भी पुअर कंडीशन में थे, उनको मेरी माँ खाना खिलाती थी. ओके, वो कहते उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे घर में डेली मीन्स कुछ लोग, मे बी 2-3 कितने भी हो सकते हैं, कुछ लोग हमारे घर में खाना खाते थे. ठीक है, सो मीन्स उनकी माँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी. ओके, काइंड थी, और अब काइंडनेस की वजह से ही वो भूखों को खाना खिलाती थी. ओके, यू ऑलवेज गेव, और तुमने हमेशा दिया विद फेथ इन हिम. और क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें हिम में, आप यहाँ देखिए, हिम में एच कैपिटल है, इट मीन्स इट इज़ रिटन फॉर द गॉड. ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भगवान में बहुत विश्वास था. ओके, अब इस लाइन में हम देखें, यू ऑलवेज सो स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग यू ऑलवेज इज रिपीटेड. ओके, सो हेयर रेपिटिशन इज यूज एंड गेव ऑल्सो रिपीटेड 2 times, सो हेयर ऑल्सो रेपिटिशन इज यूज. ओके, देन द नेक्स्ट स्टेंजा, I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. It was a full moon night, my world only you knew, mother, my mother. So, अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि I still remember, कि मुझे अब भी वो दिन याद है, when I was 10, जब मैं 10 years का था, sleeping on your lap, तुम्हारी lap होता है गोदी, मैं तुम्हारी गोदी में सोया हुआ था, and the envy होता है jealousy. okay, jealousy, और मेरे जो बड़े भाई और बहन हैं वो मुझसे jealous होते थे. और क्यों jealous होते थे, वो भी book में थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि ये बच्चा बहुत हार्डशिप करता था, बहुत हार्डवर्क करता था, तो इसीलिए माँ उसकी ज़्यादा केयर करती थी, उसको अच्छे से बैठ के प्यार से खाना खिलाती थी. ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं खिलाती थी, उन्हें भी बहुत प्यार से खाना खिलाती थी, उनकी भी केयर करती थी, बट इनकी थोड़ी सी ज़्यादा करती थी. उसके 2 reason थे, एक तो पूरा दिन ये मेहनत करता था और घर की फैमिली की हेल्प करता था फाइनेंशियली भी, ठीक है, और सेकेंडली लुक्स में वो इतने मीन्स अपने जो सिबलिंग्स थे उनसे थोड़े से कम थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ का सामना भी करना पड़ता था. देन इसीलिए उनकी माँ उनकी ज़्यादा केयर करती थी, और बड़े भाई बहन जो हैं वो उनसे थोड़ा सा जेलस होते थे. इट वॉज़ अ फुल मून नाइट, और वो फुल मून नाइट थी, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, और वो कहते हैं कि मेरी जो दुनिया है वो केवल तुम थी और तुम ये जानती थी, मदर माई मदर. इधर भी देखिए, मदर माई मदर, म म म, ओके, एम एम एम, दिस इज एम एम साउंड्स म, सो म वर्ड इज रिपीटेड, सो हेयर कॉन्सोनेंस इज देयर. वेन अ लेटर इज रिपीटेड, ओके, एंड द लेटर, वेन द लेटर इज कॉन्सोनेंट, then it is consonants. So यहाँ पर consonants है, and consonants is also a part of alliteration. तो यदि आप यहाँ पर alliteration भी लिख देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, यदि यहाँ पर पूछा जाता है तो. When at midnight I walk with tears falling
on my knee. You knew the pain of your child, my mother. Your caring hands tenderly removing the pain. Your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear, and with his strength we'll meet again on the great judgment day, my mother. Then he said again, when at midnight, ki midnight mein, jab main jaag jata tha, means main, meri aankhon mein aansu hote the, main rota tha, aur falling on my knees, कि अपने घुटनों पर अपना सिर रख के मुझे रोना आता था. यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर, मेरी माँ तुम ही अपने बच्चे के पेन को जानती थी. ओके, एंड अब यहाँ पर भी माई मदर, यू सी इन दिस पोएम दैट माई मदर इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, सो हियर रेपिटिशन इज यूज. ओके, देन योर केयरिंग हैंड्स, तुम्हारे केयर करने वाले हैंड्स, टेंडरली रिमूविंग द पेन, मीन्स जब तुम मुझे छूती थी तो तुम्हारा मेरा जो पेन है उसको तुम टेंडरली होता है वेरी सॉफ्टली, उसको तुम रिमूव कर देती थी. योर लव, तुम्हारा प्यार, योर केयर, तुम्हारी केयर, योर फेथ, तुम्हारा विश्वास गेव मी स्ट्रेंथ, और इन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी है. अब यहाँ पर देर इज़ अ क्वेश्चन, येस दैट योर 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 इज रिपीटेड इन दिस लाइन 3 times. Why? So here your love, your care, your faith, it is repeated, your is repeated 3 times because to give the stress, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस देने के लिए, मीन्स उसको ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए हम उस वर्ड को बार बार में रिपीट करते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पर इसको रिपीट किया गया है. ठीक है, देन एंड यस रेपिटिशन इज यूज्ड हियर. देन टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ. अब आगे उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड को फेस करना विदाउट टीयर, यानी बिना डरे, बिना रोए, बिना परेशान हुए इस दुनिया को कैसे फेस करना है, एंड विद हिज स्ट्रेंथ. और आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है हिज, यू नो हियर एच इज कैपिटल, इट मीन्स इट इज फॉर गॉड की स्ट्रेंथ, भगवान की स्ट्रेंथ के साथ इस वर्ल्ड को फेस करना विदाउट पेन तुमने ही मुझे सिखाया है. ओके, एंड इधर इन दिस लाइन आल्सो यू कैन सी www वर्ड इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज यूज्ड हियर. विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माय मदर, एंड एट लास्ट ही सेड दिस लाइन, यस विल मीट अगेन, कि नाउ हिज मदर वाज नो मोर. जब ये पोएम इन्होंने लिखी थी तब उनकी माँ चल बसी थी, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है विल मीट अगेन, कि हम फिर से मिलेंगे. कब मिलेंगे? ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. जजमेंट डे इज इन कुरान, इट इज़ कयामत की कयामत का दिन वो बोलते हैं वहाँ पर. सो और जजमेंट डे किस में लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारी जो सॉल्स हैं वो अपनी कब्र से बाहर निकल आएंगी और भगवान में मिल जाएंगी. उसके लिए उन्होंने कहा है, ये थोड़ा सा कुरान में इसके बारे में लिखा हुआ है. सो इसी डे के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब जजमेंट डे आएगा तब मैं तुमसे फिर से मिलूँगा. ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन सी www वी विल it's ma. So we will, WW is repeated and meet my mother, MMM is repeated, so her alliteration is used, and my mother is repeated many times, so here
repetition is used. Okay, so in this poem, it's a very beautiful poem about the mother, and the figure of speech is used here: repetition, alliteration, simile, metaphor, and in alliteration you can write consonants also. Okay, so this is about the poem. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Yes, then we read something about the author. Late Dr. APJ Abdul Kalam, he was born in 1931 and passed away in 2015, was the President of India from 2002 to 2007. Popularly known as Missile Man of Man, इन्हें Missile Man of India भी कहा जाता था. He was known for his dedication to science and commitment to professional excellence. उनको science में और जो professionalism उन्होंने दिया science के अंदर, उसके लिए उनको याद किया जाता है और इसीलिए उनका नाम Missile Man of India रखा गया. Dr. Kalam had a multifaceted personality, means उनका उनमें केवल एक ही talent नहीं था, उनमें बहुत सारे talent थे, बहुत सारी knowledge उनके अंदर थी. Besides being a scientist and humanist, एक scientist या humanist होने के साथ साथ he was also an excellent writer, वो बहुत अच्छे writer भी थे. Wings of Fire, yes, this is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, Wings of Fire, you should read it, students. Wings of Fire and Ignited Minds are two of his very popular books. Unki bahut popular books hain dono. The poem My Mother has been taken from the Wings of Fire, aur ye jo My Mother poem hai, it is taken from Wings of Fire. Wings of Fire se ye li gayi hai. Okay, so this is about the author, or we can say the poet. And in this poem you can see there is no rhyming scheme. इसमें कोई rhyming scheme नहीं है. The every line of poem ends at the different sound. If we make its rhyming scheme, so it's A B C D. So it means it is blank words. ये blank words है. It means it has no rhyming scheme. Okay, and this poem contains the feelings and emotions of a child towards his mother. Okay, I hope you understand it, students. Yes, thank you.